विधायक जी, आज आपके डेलीगेशन को मुंडा पांडे पुलिस ने रोका है, क्या कहेंगे? देखिए, संभल की जो घटना हुई है उसकी जांच के संबंध में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल को वहां पर भेजा था, क्योंकि शासन प्रशासन और सरकार इस घटना की स्वयं जिम्मेदार है, इसलिए वहां पर इस प्रतिनिधिमंडल को जाना देना नहीं चाहती। और ये हमारा अधिकार है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो मृतक परिवार थे, इस घटना के अंदर जो बच्चे मरे हैं उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करने हम लोग जाना चाहते थे। और हम लोग वहाँ पर जाके जो घटना हुई, किस तरह के घटनाक्रम से हुई, कौन कौन लोग उसके जिम्मेदार हैं, ये सारी रिपोर्ट बना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग देना था। लेकिन शासन प्रशासन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका विश्वास नहीं है, तानाशाही पर उतरा हुआ है और पुलिस के बल पर पूरे उत्तर प्रदेश को चलाना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, इसलिए उन्होंने हम लोगों को यहाँ डिटेन करके बिठाया और बाकी लोगों को भी जगह जगह जो जिधर से आ रहा था उसको संभल जाने से रोका। कितने समय से आपको यहाँ बिठा रखा थाने में? नहीं, हम लोग तो बैठे हैं, 2-3 घंटे तो हम लोगों को हो ही गए। और बाकी हम लोगों ने तो ये भी रिक्वेस्ट की कि भाई पुलिस अपने साथ में ले जाके परिवार के लोगों से मिलवा दे, या परिवार के लोगों को संभल लाइन के अंदर हम लोगों से बातचीत करा दे, लेकिन शासन प्रशासन किसी चीज़ पर तैयार नहीं है और वो नहीं चाहते कि लोगों के सही जानकारी सही तथ्य संभल का जो बवाल है उसका लोगों के सामने आए। इस डेलीगेशन में जो गिरफ्तारी हुई है, जो बैठे हैं थाना परिसर में, कितने लोग हैं, कौन कौन? पुलिस बताएगी आपको। हम यहाँ पे 4 लोग हैं, विक्की यादव जी हैं, जयवीर सिंह यादव जी हैं और असगर अंसारी हैं और मैं हूँ। बाकी और लोग कहाँ कहाँ हैं वो ये तो आपको प्रशासन ही बताएगा कि क्यों उन लोग डिटेन हुए, कितने लोग कहाँ पे हैं। लेकिन 15 लोग का डेलीगेशन था जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन था।